राजधानी भुवनेश्वर सबुठारु बड़ परिचय प्रभु लिंगराज मंदिर भक्त आउ पर्यटक उभयों समागम हुए मंदिर निर्माण और विविध सौंदर्य को मनभरी उपभोग करने को देश विदेश पर्यटक एठाक आसती फटो उठाई यार स्मृति को सातदरिया सेपारी को नहीं साइति रखती आउ ए सबुर मुकसाखी होची कर्जन मंडप दर्शक बंधु हठात आपण को ए मंडपर नामकरण बे पारंपरिक मन हेबो आपण भावुथिबे स्नान मंडप नाट मंडप अचिंता मंडप बा खिया मंडप भली एहा मध्य ठाकुरों नीति सह संपृक्त मंडपटिए होइथिबो किंतु आपणक आकलन बिल्कुल भूल एहा मंदिर नीति कि ठाकुर सेवारे समर्पित कौनसी मंडप नुहे बरं लिंगराज मंदिर पाखरे एक ऐतिहासिक स्मृति स्मारकी भारतर तत्कालीन बड़लाट लॉर्ड कर्जन नाम से नामित यह होची कर्जन मंडप जहां ओडिया मुहरे अपभ्रंश हो कथित भाषा कर्जन मंडप बुलाऊछी पचरे रही सुंदर गोटे कहानी सेतेबेले उत्कल गौरव मधुसूदन विलात यात्रा करिथांती इंग्रेज शासनाधीन भारत रे ओडिशा बा उत्कल को स्वतंत्र राज्यर मान्यता देबाकु दाबी उपस्थापन करा जाय 1900 मसीहारे मधुबाबू लॉर्ड कर्जन को औपचारिक भेट करंती ओ उत्कल आगमन पई निमंत्रण करंती सौभाग्य को लॉर्ड कर्जन तांको दाबी ग्रहण करी आउ डिसेंबर रे उत्कल आगमन करंती प्रथमे जगन्नाथ मंदिर और परे लिंगराज मंदिर परिदर्शन करने को योजना हुए विदेशी होइथिबारो उभय मंदिर रे तांको प्रवेश वर्जित होइथिला समय क्रम रे मधुबाबू मध्य ख्रीष्ट धर्म ग्रहण करिथांती किंतु ओडिया अस्मितार वार्तावह मधुबाबू इंग्राजी रे श्री जगन्नाथ महाप्रभु और लिंगराज कथा लॉर्ड कर्जन को अवगत करंती एही समय रे लिंगराज मंदिर भास्कर्य देखा मन बलांती कर्जन से देउल बाहर मंडपटे निर्माण पर योजना हुए मंदिर उत्तरपट प्रवेश द्वार पाखे मांकड़ा पथर से एक उच्च पहाच युक्त मंडप निर्माण हुए जहाँ ठिया मधुबाबू लॉर्ड कर्जन को बुझाई दिंती ए जाति केते समृद्ध आम शिल्पी कूल आज सब अतीत हो जा अनेक पर्यटक और विदेशी यात्री एठी ठिया होई उत्कलर गारिमा को देखुछंती आउ इतिहास मुकसाखी होई ठिया होई कर्जन मंडप भुवनेश्वर मेहर पटनायक रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।